हेलो एवरीवन, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लैब। तो फाइनली वह दिन आ चुका है जिस दिन होने वाला है टाटा आईपीएल 24 के लिए ऑक्शन। बता दें कि यह ऑक्शन बेहद ही भव्य होने वाला है, इसके लेकर कई बड़ी खबरें भी निकल के आ रही है, तो इन्हीं बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबरें हम लाते रहते हैं। तो बात करें टाटा आईपीएल 24 का मिनी ऑक्शन, जो कि पहली बार भारत से बाहर होगा। या दोस्तों बता दें कि यह दुबई में होने वाला है। वहीं बात करें आप यह कहां पर लाइव देख सकते हैं, तो बता दें कि जियो सिनेमा ऐप पर आप बिल्कुल फ्री में लाइव देख सकते हैं, इसके अलावा स्टार स्पोर्ट्स पर भी देख सकते हैं। तो वही बात करें यह शुरू जो कि 1 बजे से होने वाला है। वहीं अब बात करें जो कि अब कुछ बड़ी खिलाड़ियों को लेकर भी बड़ी खबर निकल के आ रहा है। जो सबसे पहला और सबसे बड़ा खबर है ऋषभ पंत को लेकर है। बता दें कि ऋषभ पंत इंजर्ड है, लेकिन फिर भी वह दुबई गए ऑक्शन के लिए, जहां दोस्तों वह दिल्ली कैपिटल्स की टीम के साथ दिखते हुए नजर आ सकते हैं आईपीएल 24 के मिनी ऑक्शन में। तो वहीं हम बात करें अगली बड़ी खबर का, तो आईपीएल में बड़ा बदलाव हुआ है एक रूल में। जी हां दोस्तों, पहले जहां एक बॉलर एक बाउंसर मार सकता था एक ओवर में, तो वहीं अब बढ़ाकर 2 कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, यह बेहद ही बड़ा अपडेट है आईपीएल के तरफ से, जो कि और इंटरेस्टिंग बना देगा, क्योंकि बाउंसर खेल पाना आसान नहीं होता है किसी भी बल्लेबाजों के लिए। तो वहीं बढ़ते हम अपने अगली बड़ी खबर का, जो कि जुड़ा हुआ इंग्लैंड के प्लेयर्स को लेकर। जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक या फिर जॉस बटलर, कई बड़े खिलाड़ी है, लेकिन बता दें कि बेन स्टोक पहले ही बाहर हो चुके हैं। इसके अलावा जोफ्रा आर्चर पर भी अब डाउट हो चुका। वही बता दी कि जॉस बटलर भी शायद कुछ मुकाबले मिस कर सकते हैं, क्योंकि मई के महीने में ही पाकिस्तान दौरे पर जाने वाली है इंग्लैंड की टीम। ऐसे में देखने वाला बात होगा कि कई खिलाड़ी अवेलेबल रहते हैं या नहीं रहते हैं। ऐसे में कई बड़े खिलाड़ी पर कम बोली भी लग सकती है, जैसे जोफ्रा आर्चर अपना नाम दिए है। अब देखने वाला होगा अगर अवेलेबल रहेंगे तो बड़ा बोली लगेगा, शायद छोटा मोटा बोली लग सकता है अगर अवेलेबल नहीं रहते हैं तो। वही बात करें हम अगली बड़ी खबर का, तो दोस्तों वह जुड़ा हुआ हेजलवुड से। बता दी कि हेजलवुड की तरफ से बेहद ही बड़ा अपडेट है। बता दी कि हेजलवुड ने साफ तौर पर बोल दिया है कि वो सीधा मई के महीने में ही आईपीएल टीमों को ज्वाइन करेंगे। ऐसे में अब बेहद ही ज्यादा चांसेस है कि हेजलवुड अनसोल्ड चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी टीम नहीं चाहेगी कि एक टीम बैलेंस बना हुआ हो, बाहर से खिलाड़ी आए और उसे खिलाना पड़े। इस वजह से हेजलवुड की जगह भी नहीं बनेगी और उनके अवेलेबिलिटी की वजह से और भी दिक्कत हो जाएगी, और इसी वजह से हेजलवुड अनसोल्ड जा सकते हैं आज आईपीएल के मिनी ऑक्शन में। इसके अलावा स्टीवन स्मिथ पर भी डाउट है कि वह बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, बेहद ही कम चांसेस है। अगर बिकते ही तो बेहद ही कम रेट में बिकने वाले हैं। पैट केमिस और मिचेल स्टार्क पर 22 का 22 होने वाला है और कोर्जिया पर। तो दोस्तों यह कुछ बड़ी अपडेट जुड़ी हुई थी आईपीएल 24 का मिनी ऑक्शन से। आपको हमेशा अपडेट देते रहेंगे आज मिनी ऑक्शन को लेकर, लेकिन इससे पहले आप हमें बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में। तब तक ले मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में।